स्टीव जॉब्स एक क्रिएटिव जीनियस थे, एक ऐसे जादूगर जो किसी को भी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से निकाल कर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में ले जा सकते थे। फिर चाहे वो खुशी और एक्सट्रीम एक्साइटमेंट हो अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए, या उन्हें इतना पुश करना कि वो हताश और गुस्से से फटने की कगार तक पहुंच जाए। वो एक अनोखे इंसान थे, एक मिसफिट, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक $1 बिलियन टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर तक, उसी कंपनी से निकाले जाने से ऑलमोस्ट अपनी सारी दौलत और शोहरत गंवाने तक, और फाइनली फिर उसी कंपनी में आकर जब वो दिवालिया की कगार पे थी, उसे दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी बनाने तक। ये स्टीव जॉब्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे, जब उनके पेरेंट्स मैरिड नहीं थे। ये वो टाइम था जब दुनिया की मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी में भी बिना शादी के बच्चे को एक डिसग्रेस माना जाता था, एबॉर्शन इलीगल था। तो किसी भी रिस्पेक्टेबल लेडी जो अनमैरिड हो अपने न्यूबॉर्न को एडॉप्शन के लिए देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सो पैदा होने के कुछ दिनों में ही स्टीव को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। इस एक्सपीरियंस ने बाद में स्टीव को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए इंस्पायर किया जिससे उन्हें अपनी लाइफ में एक एंकर और मीनिंग मिले। बचपन से ही स्टीव स्मार्ट, क्यूरियस और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्टेड थे, पर वो एक लोनर भी थे जो ज्यादा टाइम अकेले स्पेंड करना पसंद करते थे। जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक और स्टीव से हुई, स्टीव वॉजनियाक। वॉजनियाक जॉब्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पैशनेट थे। स्टीव जॉब्स को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खुद उनसे ज्यादा पता था। वॉजनियाक एक टेक्निकल जीनियस थे। जॉब्स और वॉज बहुत जल्दी काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ना कुछ बनाते और प्रैंक्स करते रहते, पर जॉब्स कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। इसी टाइम इन दोनों की नजर पॉपुलर मैकेनिक्स के जनवरी इशू में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर पड़ी। ये था दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर किट एल्टियर। इस आर्टिकल में से बनाने की सभी डिटेल्स भी दी गई थी और अगर कोई इसे रेडीमेड खरीदना चाहता था उसका ऑप्शन भी। ये वॉज के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, पर इसके कंपोनेंट्स मिलना बहुत मुश्किल था। पर जॉब्स ने किसी तरह ये अरेंज कर दिया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वॉज ने एल्टियर से भी बेटर मशीन बनाकर सबको हैरान कर दिया। वॉज ने प्राउडली इस मशीन को अपने सभी दोस्तों और इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। ये वो मौका था जब स्टीव जॉब्स के एक डिसीजन ने पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री को स्टार्ट और रेवोल्यूशनाइज कर दिया। स्टीव समझ गए थे कि वॉज ने एक बहुत यूजफुल मशीन बनाई है जिसमें काफी लोग इंटरेस्टेड थे, सो इन लोगों को इसे एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा सकता है। ये गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। जॉब्स ने वॉज को कन्विंस करके एक इनिशियल बिजनेस प्लान बनाया। प्रॉब्लम थी कि इन मशीन्स को बनाने के लिए जो इनिशियल फंड्स थे वो कहां से आएंगे। जब किसी से उन्हें ये फंडिंग नहीं मिली तो जॉब्स ने अपने वोक्सवैगन बस और वॉज ने अपना एचपी के इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर बेचकर ये फंड्स रेज किए और ऐसे एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। 1975 पॉपुलर मैकेनिक्स में ये आर्टिकल के पब्लिश होने से पहले कोई पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री नहीं थी, पर साल के एंड होते होते पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था जिसको स्टीव और स्टीव लीड कर रहे थे। हालांकि वॉज ने ये मशीन बनाई थी, पर ये स्टीव जॉब्स का ऑब्सेशन और मार्केटिंग जीनियस था जिसने इसे एक ब्लॉकबस्टर बिजनेस बनाया। एप्पल वन की सक्सेस के बाद एप्पल टू ने सक्सेस को और भी बढ़ा दिया। कैसे दो लोगों ने जिन्हें कोई जानता भी नहीं था पहला पर्सनल कंप्यूटर बना के एक पूरी इंडस्ट्री को शुरू कर दिया। इस बात को स्टीव जॉब्स के राइज से समझा जा सकता है। 22 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ब्रोक और डायरेक्शनलेस थे। 23 साल की उम्र में उनकी वर्थ $1 मिलियन थी। 24 साल की उम्र में 10 मिलियन और 25 साल की उम्र में आते आते वो $100 मिलियन के मालिक थे। स्टीव जॉब्स न सिर्फ थे बल्कि वो दुनिया के यंगेस्ट सुपर रिच टेक्नोलॉजी आइकन बन गए थे। एप्पल अब स्टार्टअप से एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई थी जिसके पास बेशुमार इन्वेस्टमेंट और डे टू डे मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम थी। स्टीव की इंटेंस पर्सनालिटी और ऑब्सेशन फॉर कंट्रोल जिसने एप्पल कंप्यूटर्स को ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंपनी बना दिया था वही रीजन बनने वाला था उनके डाउनफॉल का। हालांकि जॉब्स की मार्केटिंग जीनियस और बिजनेस एक्यूमेन का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था एप्पल की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, पर वो खुश नहीं थे। एप्पल वन और टू वॉज ने बनाई थी। जॉब्स एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिसे वो अपनी क्रिएशन कह सके। वो ये साबित करना चाहते थे कि एप्पल में वॉज ही एक कंप्यूटर जीनियस नहीं है। इस एम्बिशन की वजह से जॉब्स
एप्पल 3 की डेवलपमेंट में बहुत इन्वॉल्व हो गए। वो एप्पल 3 को उस टाइम का बेस्ट कंप्यूटर बनाना चाहते थे, इसलिए अपने इंजीनियर से नए नए फीचर्स अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस में एक्सपेक्ट कर रहे थे। जॉब बहुत ही करिश्मेटिक थे, जो किसी को भी अपने विजन से इंस्पायर कर सकते थे, पर वो साथ साथ में कोल्ड और ब्रूटल भी थे, जो किसी एम्प्लॉय की एनर्जी और एंथुजियाज्म को इंस्टेंटली क्रश भी कर सकते थे। वो एप्पल 3 मॉडल में अपने इंजीनियर से कुछ ऐसी डेवलपमेंट चाहते थे जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बहुत डिफिकल्ट थी। कॉन्स्टेंट प्रेशर, जॉब्स की फ्रीक्वेंट डिमांड से टीम बहुत परेशान थी। जॉब्स के कंटीन्यूअस चेंजेस से एप्पल 3 का मार्केट रिलीज कंटीन्यूअसली डिले हो रहा था। ये इशू इतना बढ़ चुका था कि एप्पल बोर्ड तक पहुंच गया, जिन्होंने बिजनेस की क्रिटिकलिटी को देखते हुए जॉब्स को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। ये जॉब्स की पहली पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। इसके बाद एप्पल 3 फाइनली जब मार्केट में रिलीज किया गया तो ये एक फेलियर साबित हुआ। जॉब्स इस फेलियर का एक बड़ा रीजन थे, क्योंकि जो कांस्टेंट चेंजेस उन्होंने सजेस्ट की थी उनकी वजह से एक प्रोडक्ट काफी डिले हो गया और ये चेंजेस बाद में इरिवर्सिबल भी हो गए। पर जॉब्स के इस प्रोजेक्ट से हटने के बाद इस फेलियर का पूरा ब्लेम इंजीनियरिंग टीम पर आया कि उन्होंने एक सब स्टैंडर्ड मशीन बनाई है। जॉब्स ने भी आग में घी ढालने का काम किया है, जब उन्होंने कई मौकों पर एप्पल 3 की इंजीनियरिंग टीम को उनके फेलियर के लिए ह्यूमिलिएट किया। जब जॉब्स को एप्पल 3 प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था तो वो अपने को बिजी रखने के लिए एप्पल में किसी और प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे थे। तभी उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट मैकिंटोश के बारे में पता चला, जो R&D डिपार्टमेंट के पास था। जॉब्स ने अपने इन्फ्लुएंस से इस प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया। वो मैकिंटोश के साथ वही करना चाहते थे जो एप्पल 3 के साथ नहीं कर सके। मैकिंटोश में वो एक मार्केट डोमिनेटिंग मशीन बनाना चाहते थे, पर ये जॉब्स के लिए सभी तरह की मुसीबतें खड़े करने वाला था। जॉब्स ने एप्पल 3 टीम के साथ जो गलतियां की थी, वही गलतियां मैकिंटोश टीम के साथ फिर रिपीट की। मैकिंटोश टीम काफी प्रेशर में थी इस कंप्यूटर को जॉब्स के स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए, पर इसे बनाने में इतनी जल्दी थी कि इसे मार्केट में तब उतारा गया जब वो 100% रेडी भी नहीं। हालांकि ये अभी तक के सभी कंप्यूटर से बेटर डिजाइन था, पर इसे फेल होना ही था। मैकिंटोश को काफी फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया और पहले 100 दिन तक बहुत अच्छी सेल भी हुई, फिर धीरे धीरे इसकी सेल गिरने लगी। रीजन था एक आधा अधूरा प्रोडक्ट, इसमें कोई इंटरनल हार्ड ड्राइव नहीं थी, बहुत सारे पार्ट्स फेल होने लगे। IBM PC जिसमें हजारों प्रोग्राम्स थे कि कंपैरिजन में इसमें कुछ ही एप्लीकेशंस थी। मैकिंटोश एक खिलौने की तरह था, जो देखने में तो बहुत अच्छा था, पर इसे खरीदना पैसे की बर्बादी था। इस लॉन्च के बाद मार्केट में एप्पल की रेपुटेशन को काफी धक्का लगा। इसमें स्टीव जॉब के पर्सनल एम्बिशन का बहुत बड़ा हाथ था। एप्पल अपनी मार्केट लीडरशिप खो रहा था। इतना सब होने के बाद जॉब्स को मैकिंटोश डिवीजन से हटाने की बात होने लगी, और जब CEO स्कली ने ये डिसीजन लिया तो जॉब्स ने स्कली को ही हटाने की कोशिश की। इस पर सभी स्टीव जॉब्स के खेल अगेंस्ट खड़े हो गए और एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से फायर करने का फैसला ले लिया। पर जॉब्स बहुत देर तक चुप बैठने वालों में से नहीं थे। एप्पल से निकाले जाने के बाद कुछ दिनों में उन्होंने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट के लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि उनके बिना एप्पल कुछ भी नहीं। नेक्स्ट में जॉब्स ने अपना फोकस एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ किया। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए एक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली जॉब्स ने अपने एप्पल कंपनी के फेलियर से कोई सीख नहीं ली थी। वो अपनी फायरिंग के रीजन से बिल्कुल बेखबर थे। हालांकि इस प्रोडक्ट को भी बनने में काफी टाइम लग गया, पर बनने के बाद इसे बड़े फैनफेयर के साथ रिलीज किया गया। और जब मार्केट में ये नया कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो कस्टमर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के साथ यूनिवर्सिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इससे काफी सस्ते अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल थे। जॉब्स का जादू, जिसने एप्पल को एक ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी बनाया था, वो अब कहीं खो गया था। एक एक करके सभी लोगों ने स्टीव का साथ छोड़ दिया। उनके दोस्तों को भी उन पर यकीन नहीं रहा। प्रेस जो उन्हें पूछती थी अब उन्हें हर मौके पर क्रिटिसाइज करने लगी। स्टीव ने जो भी कमाया था वो लॉसेस में खत्म हो रहा था। 100 मिलियन जो जितनी जल्दी कमाया था उतनी ही जल्दी गवा दिया। सबको ये लगने लगा कि जॉब्स पर एक बार किस्मत मेहरबान थी जो अब उनका साथ छोड़ चुकी थी। 1993 साल आते आते नेक्स्ट बंद होने की कगार पे था। काफी लोगों को निकाला जा चुका था। अब तक स्टीव जॉब्स पब्लिक कॉन्शियसनेस से ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए थे। इस टाइम जॉब्स ने क्या किया, कैसे कोप किया, किसी को नहीं पता।
पर दो साल बाद किस्मत ने फिर करवट ली जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पर काम करते करते जॉब्स एक और कंपनी पिक्सार में इन्वेस्टर बन गए थे। पिक्सार जो एक एनिमेशन कंपनी थी, ये 10 साल तक एक लॉस मेकिंग और अननोन एंटिटी बनी रही। पर 1995 में पिक्सार ने जब अपनी पहली फुल लेंथ एनिमेशन टॉय स्टोरी रिलीज की तो इसने सबका दिल जीत लिया। जॉब्स एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर होने की वजह से रातों रात बिलियनर बन गए। यहाँ जैसे स्टीव जॉब्स का अच्छा वक्त फिर शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। कंप्यूटर की दुनिया में एक नया चैंपियन आ गया था, विंडोज इंटेल पीसी, और किसी को एप्पल कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं थी। एप्पल के पास प्रोडक्ट्स तो बहुत थे पर उन्हें खरीद कोई नहीं रहा था। 3 CEO आके चले गए थे और सितंबर 1997 आते आते एप्पल दिवालिया होने से सिर्फ 2 महीने दूर थे। कोई भी अच्छा CEO एप्पल को ज्वाइन करके अपना करियर खराब नहीं करना चाहता था। एप्पल बोर्ड के पास जॉब्स को वापस बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जॉब्स को वापस लाने के लिए खस्ता हालत में भी एप्पल ने पीटी हुई कंपनी नेक्स्ट को खरीदने का ऑफर दिया। हालांकि जॉब्स के पास अब दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी पर वो एप्पल में अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। स्टीव वापस आ गए। एप्पल के डाईहार्ड फैंस इस न्यूज से बहुत एक्साइटेड थे पर जनरल बिजनेस वर्ल्ड को ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि एप्पल का वक्त गुजर चुका था सिवाय एक चीज की। जिस स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था और जिस स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दूसरी बार ज्वाइन किया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जॉब्स अभी भी बहुत डिमांडिंग थे पर अब वो बहुत डिसिप्लिन थे। वो अब भी डिजाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे पर वो समझ गए थे कि डिजाइन सिर्फ चीजें कैसी दिखती हैं वो ही नहीं पर वो कैसे काम करती हैं वो भी है। वो अभी इनोवेशन में बिलीव करते थे पर वो समझ गए थे कि इनोवेशन का नॉर्थ स्टार प्रोडक्ट नहीं कस्टमर एक्सपीरियंस है। काफी सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि जॉब्स शायद जल्दी ही कुछ और एडवांस्ड प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट शुरू कर देंगे या एप्पल को किसी कॉम्पिटिटर को अक्वायर करने के लायक बना देंगे, पर उन्होंने इन दोनों चीजों में कुछ भी नहीं किया। जॉब्स अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। एप्पल को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बिगेस्ट चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जॉब्स ने एप्पल की स्केल और स्कोप को पर्सनल कंप्यूटर्स की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में एक नीच प्लेयर की तरह फोकस कर दिया। एप्पल को उस कोर तक ही रखा जिससे वो सर्वाइव कर सकता था। 15 डेस्कटॉप मॉडल्स को रोककर एक मॉडल पर कॉन्सेंट्रेट किया। सभी पोर्टेबल्स को रोककर एक लैपटॉप पे कॉन्सेंट्रेट किया। प्रिंटर्स की पूरी लाइन बंद कर दी। डेवलपमेंट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ ड्रास्टिकली कट करके बहुत लिमिटेड चीजों पर पूरे बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट कर दिया। रिजल्ट ये कि 3 साल से भी कम टाइम में एप्पल का स्टॉक $13 पर शेयर से $118 पर शेयर तक पहुंच गया। वैल्यूएशन 2 बिलियन से 200 बिलियन तक पहुंच गई। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल था। इसके बाद एप्पल ने स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एक एक करके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एक के बाद एक रिलीज किए जिसने न सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स को दुनिया की सबसे वैल्यूबल ही नहीं पर सबसे चहेती कंपनी भी बना दी।